नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट हट में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे NMS एग्ज़ाम 2024 के बारे में। आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से होने जा रही है, यानी NMS हरियाणा की जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से होगी। तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो आज जारी हो चुके हैं। तो चलिए आप वीडियो में बताते हैं कि आपके एडमिट कार्ड आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर चलेंगे। गूगल पर आप लिखेंगे bsh.org.in। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा इस तरह का। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल करके आएगा इस तरह से। आपने मेन वेबसाइट के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा इस प्रकार से। इसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे चलना है आपको इस तरह से। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए, प्रेस नोट फॉर NMS एग्ज़ाम नंबर 2024। यहाँ पर आपको प्रेस नोट मिलेगा, लेकिन हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो हम नीचे चलेंगे, थोड़ा और नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ पर ये रहा, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर NMS एग्ज़ाम नवंबर 2024। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आएगा इस तरह से। यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा परफॉर्मा डाउनलोड करके मांगी गई सभी विवरण भरकर विद्यालय के मुखिया से सत्यापित करवाना है। यानी कि आपको अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके उसको विद्यालय के हेडमास्टर से या जो के स्कूल का मुखिया है उससे आपको उसे अटेस्ट करवाना है, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर हमें एडमिट कार्ड के ऊपर डाउनलोड करना, क्योंकि हमें एडमिट कार्ड चाहिए। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने खुल करके आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, फादर का नेम डालेंगे, या आप अपना आधार नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं, या अपना मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। किसी एक को आप इसके अंदर डाल करके सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आपका जो रोल नंबर है, जो एडमिट कार्ड है, वो अपलोड, सॉरी, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।